जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा रोजगार से संबंधित भारत के किसी भी राज्य का कोई भी खबर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोस्तों हम आपके लिए यूट्यूब पर सबसे पहले लेके आते हैं। खासकर दोस्तों टीचर से संबंधित कोई भी अगर वैकेंसी होती है, खासकर राजस्थान में रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, तो दोस्तों हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, रीट टीचर भर्ती 2019, जैसे कि पता होगा आचार संहिता के बाद में रीट की भर्ती आने के पूरे आसार है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, रीट योग्यता में बड़ा बदलाव। तो दोस्तों रीट भर्ती नया नियम 2019 से लागू, अगर आप रीट की तैयारी कर लो तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में भर्ती की योग्य है कॉमर्स से स्नातक महिला अभ्यर्थी। दोस्तों पहले क्या था कि सामाजिक विज्ञान के थ्रू अगर जिसने कॉमर्स से कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो वो सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, उसके लिए रीट में योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये योग्य माना जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसाली ने एक रीट स्वीकार करते हुए कॉमर्स विषय में स्नातक उत्तीर्ण एक महिला अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक के लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान विषय पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माना है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिया है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य योग्यता भी रखती है तो उसे अगले 4 सप्ताह में नियुक्ति दी जाए। कॉमर्स अभ्यर्थियों का तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का रास्ता साफ। वर्ष 2017 के बाद पंचायती राज नियमों में हुए संशोधन के कारण कॉमर्स के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों पर नियुक्ति में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ ने न्यायाधीश अरुण बंसाली ने चित्तौड़गढ़ की याचिकाकर्ता प्रियंका मनोरिया की याचिका को स्वीकार कर कॉमर्स स्नातक अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए योग्य माना। साथ ही याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने संबंधी सारे वित्तीय लाभ देने तथा वित्तीय विभाग द्वारा नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह रणीसर की पैरवी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कॉमर्स से स्नातक है, उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स विषय में स्नातक में 3 साल में अनिवार्य विषय रूप में पढ़े हैं जो सामाजिक विज्ञान का समक्ष है। याचिकाकर्ता ने 2017 में परीक्षा सामाजिक विज्ञान की पास कर 2018 में आई सामाजिक विज्ञान विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापक द्वितीय लेवल के आवेदन किया था। इसके बाद में उसे सत्यापन के लिए बुलाया गया था, परंतु वहां से यह कहते हुए भर्ती प्रक्रिया से पृथक कर दिया कि प्रार्थी स्नातक कॉमर्स सब्जेक्ट में किया है जबकि आवेदन में सामाजिक विज्ञान विषय में किया है और कॉमर्स और सामाजिक विज्ञान के विषय में भिन्नता है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता के सहयोगी कैलाश चौधरी के पक्ष रखकर दलील दी कि प्रार्थी ने अनिवार्य विषय रूप में बैंकिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स से स्नातक किए, जबकि नियम अनुसार सिर्फ इकोनॉमिक्स में स्नातक मांगी गई थी, वह भी वैकल्पिक विषय के रूप में। साथ ही सरकार ने कॉमर्स में सामाजिक विज्ञान से भिन्न बता और कॉमर्स अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान के पदों पर भर्ती के लिए अयोग्य माना और सरकार ने कहा कि विभाग पंचायती राज नियम 1996 में हुई 2017 के संशोधन के अनुसार आवेदन करता है जिसका समूह में आवेदन कर रहा है और विशेष समूह के विषयों में किसी भी एक विषय में स्नातक में ऐच्छिक विषय रूप में पढ़ना अनिवार्य है, इस कारण से प्रार्थी अध्यापक पद के लिए पात्र नहीं है। प्रार्थी की अधिवक्ता कोर्ट में प्रार्थी स्नातक में मार्कशीट व सिलेबस दिखाकर बताया कि प्रार्थी द्वारा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ने लायक समझ विज्ञान का ज्ञान स्रोत में भली भांति रूप से अर्जित किया है, अतः प्रार्थी नियम अनुसार नियुक्ति के लिए पात्र है। दोनों पक्षों में बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा सरकार दी गई दलील खारिज कर 1996 की जो कानून की गलत व्याख्या करने की विधि विरुद्ध माना है और साथ ही स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत अनुपालन में तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए चाहेगी योग्यता अधिकतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करना को विधि विरुद्ध है और न्यायालय की यह स्पष्ट किया कि 1996 के नियम को कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए समानता रखी जानी चाहिए जब विषय विज्ञान विषय में बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जैसे विषयों में की गई स्नातकीय कक्षा 6 से 8 तक विषयों में पढ़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, तब कॉमर्स द्वारा सामाजिक विज्ञान के विषयों की गई पढ़ाई के अध्यापक के पात्रता भिन्न रखना विधि सम्मत नहीं है। कॉमर्स के हजारों अभ्यर्थी होंगे इससे लाभान्वित। इस फैसले से हजारों कॉमर्स अभ्यर्थियों का 2018
तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, जो सरकार द्वारा नियमों के दोषपूर्ण विधि विरुद्ध व्याख्या करने में भर्ती हुई शामिल किए जाने की वंचित रह गए। तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फैसला है कोर्ट का। पहले ये होता था कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो समाज विज्ञान के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे, अब कोर्ट ने फैसला ये क्लियर भी कर दिया कि जब साइंस वाले बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी वाले छठवीं से आठवीं तक पढ़ा सकते हैं, तो कॉमर्स वाले सामाजिक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो दोस्तों बहुत अच्छा फैसला है। टीचर से संबंधित राजस्थान और भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होगी दोस्तों हम आपके लिए सबसे पहले आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।